हाँ जी, सत श्री अकाल जी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तुम देख रहे हो जी लर्न सिंपल, तो अज आप पढ़न जा रहे हैं जी MPH EW टॉप 20 MCQs। ये सारे क्वेश्चन जोड़े बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ, वार्ड अटेंडेंट के लिए भी, ANM GNM वास्ते भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आ। लो स्टार्ट करते हैं जी फस्ट क्वेश्चन के उपरों। शुरू करने तो पहले तुम साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर दो, तो बैल आइकन के उपर क्लिक कर दो, जो नैक्सट आने वाले वीडियोज़ की अपडेट तुम सब तो पहला मिल सके। तो स्टार्ट करते जी फस्ट क्वेश्चन, अस्थमा की बीमारी नाल की हुंदा है। जी अस्थमा की बीमारी होंगी उस की हुंदा है, ऑप्शन है जी बुखार, खांसी, सह लैण विच तकलीफ, जां इन्हां विचों कोई नहीं। उस दा राइट आंसर, हाँ जी आप सारे पता कि अस्थमा की बीमारी के नाल सह लैण दे विच तकलीफ होंगी है, इस करके इहदा सही जवाब होगा जी सी ऑप्शन, जिहड़ी है राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों अखां विच प्रवेश करन वाली रोशनी की मात्रा नूं कौन कंट्रोल करता है। अख दे विच जिहड़ी रोशनी प्रवेश करती है उहनूं कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शनस देख लैंदे जी, रैटीना, आयरस, लेंज जां फिर कॉर्निया। दोस्तों राइट आंसर हैगा जी आयरस। आयरस जिहड़ा आ ये अख विच जिहड़ी रोशनी प्रवेश करती है उहनूं कंट्रोल करता है, तो जिहड़ा वाइट पार्ट हुंदा अख दे विच जेकर क्वेश्चन आ जांदा कि उहनूं की कहिंदे, उहनूं आपां स्कलेरा बोलदे आ, तो जिहड़ा ब्लैक पार्ट हुंदा आ अपनी जिहड़ी अख दे विच सेंटर दे विच हुंदा उहनूं प्यूपिल बोलदे आ। तुसीं पिक्चर दे विच देख सकदे आ। चलो नैक्सट पढ़ते हैं जी फिर, मनुखी शरीर में कि ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी किया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट, बहुत बारी तो बहुत सारे जो एग्जाम आया हुआ। ऑप्शन देख लें जी, पिट्यूटरी ग्रंथी, थायराइड, पैनक्रियाज या एड्रीनल। तो सर राइट आंसर है जी पिट्यूटरी ग्रंथी, जिहड़ी आ बोलते हैं आप मास्टर ग्रंथी को पिट्यूटरी ग्रंथ। पिक्चर के देख सकते हैं कि जिहड़ी ग्रंथी आ ये दिमाग के जिहड़ी होंदी आ, जिहड़ा पिंक जिहा पार्ट तुसीं देख सकते हैं उहनूं पिट्यूटरी ग्रंथी बोलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, एड्रीनल ग्रंथी शरीर में कित्थे स्थित होंदी है। ऑप्शन जिहड़ियां हैगियां, फेफड़िया के अंदर, गले में, दिमाग के अंदर या गुर्दे के उपर। हाँ जी इहदा दोस्तों राइट आंसर हैगा जी, जिहड़ी एड्रीनल ग्रंथी आ उह शरीर दे विच जिहड़ी होंदी आपणे गुर्दियां दे उपर होंदी आ, एड्रीनल ग्रंथी बोलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, मनुखी शरीर में मासपेशियां की कुल गिणती होंदी है, जां कह सकते कि मासपेशियां की जिहड़ी टोटल जिहड़ी हैगी गिणती हैगी किन्नी हैगी अपने शरीर के। ऑप्शनस देख लैंदे जी, 547, 693, 373 या 525। हाँ जी इहदा राइट आंसर हैगा जी, बिल्कुल सही जवाब हैगा जी 693। बी ऑप्शन जिहड़ी राइट आ कि मनुखी शरीर में मासपेशियां की कुल गिणती जिहड़ी 693 होंदी आ। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते जी, हेठ लिखियां विचों मनुखी शरीर में किहड़ा चमड़ी राही प्रवेश करता है। जिहड़े हेठ दिते गए ऑप्शन देख लैंदे आपां, थ्रैड बोम, टैप बोम, रिंग बोम जां हुक बोम। इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा आ मनुखी शरीर दे विच चमड़ी दे राही जिहड़ा आ प्रवेश करता आ शरीर दे विच। तो इहदा राइट आंसर हैगा जी हुक बोम। हुक बोम जिहड़ा आ इह मनुखी शरीर के जिहड़ा चमड़ी के राही प्रवेश कर जाता है। तुसीं देख सकते पिक्चर के किस तरह का विजिबल हुंदा आ जदों अपनी चमड़ी के अंदर चल जाता, इस तरह का निशान जिहड़ा अपनी चमड़ी के बन जाते हैं। नैक्सट पढ़ते हैं जी, पेंसिलिन किस रूप में वरती जाती है। ऑप्शनस देख लें जी, एंटीबायोटिक, हारमोन, एंटीपायरेटिक या विटामिन। हाँ जी दोस्तों जी पेंसिलिन किस रूप में वरती जाती है। हाँ जी राइट आंसर हैगा जी एंटीबायोटिक, जी पेंसिलिन होंगी वो एंटीबायोटिक के रूप में वरती जाती है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, मनुखी खून को कितने ग्रुपों के वंडिया गया है। ऑप्शनस देख लें जी, 3, 4, 7 या फिर 8। उसका राइट आंसर हैगा जी जो मनुखी खून में जोड़ा आ 4 जो ग्रुपों के वंडिया गया है। ये पिक्चर के देख सकते हैं ये जो 4 ग्रुप आ इन्हां दे विच मनुखी जिहड़ा खून हैगा उहनूं वंडिया गया। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, दुध विच इस तों इलावा सारे विटामिन होंदे हन। तुसीं दसना कि कीड़ा विटामिन जिहड़ा दुध विच नहीं हुंदा।
ऑप्शन देख लेने जी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए। हाँ जी दोस्तों, जो राइट आंसर हैगा जी विटामिन सी। विटामिन सी जड़ा आ दुध दे विच नहीं हुंदा, बाकी विटामिन डी बी ए जिहड़े सारे विटामिन दुध विच पाए जांदे आ। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते जी, पानी की घनता किस तापमान से अधिकतम होंदी है? जिहड़ी पानी की घनता है वह किस तापमान से ज़्यादा होंदी है? ऑप्शन देख लें जी, 0 डिग्री सैलसीयस से, 2 डिग्री सैलसीयस, 1 डिग्री सैलसीयस या 4 डिग्री सैलसीयस। उसका राइट आंसर है जी 4 डिग्री सैलसीयस। पानी की जी घनता है वह 4 डिग्री सैलसीयस से ज़्यादा होती है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, हड्डियाँ उपर प्लास्टर करने किस की वरतों की जाती है? जड़िया हड्डियाँ आप जो हड्डी टुटी जाती है तो प्लास्टर करते हैं उससे किस चीज़ की वरतों की जाती है? ऑप्शन देख लें जी, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पैरिस, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ जी दोस्तों, राइट आंसर आप सबनों पता कि POP की वरतों की जाती है हड्डियों के उपर प्लास्टर करने, जिन्हों प्लास्टर ऑफ पैरिस बोलते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते जी, सिरके विच पाए जाने वाले तेजाब का नाम दसो। ऑप्शनस देख लें जी, मथैनिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, इथैनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। हाँ जी दोस्तों, गैस करो जी राइट आंसर की होगा। हाँ जी सही है जवाब हैगा जी इथैनिक एसिड। इथैनिक एसिड जिहड़ा सिरके विच पाया जाता। दोस्तों जेकर वीडियो वधिया लग रही तो वीडियो में लाइक तो कमेंट करना ना भुल्यो, तो चैनल में सबसक्राइब कर दो जो अभी तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया, तो बैल आइकन के उपर भी क्लिक कर दो, जो जो नैक्सट वीडियोज़ आप पावे वो जी नोटिफिकेशन है तुम सब तो पहला मिल सके। साडे जो टैलीग्राम पेज में ज्वाइन करने के वास्ते डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिता गया, तुम ज्वाइन कर सकते हैं लेटैस वीडियो के लिए। तो नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ने तो पहले सॉरी आप देख लें कि जो इथैनिक एसिड है वह कैमिकल जो फॉर्मूला की हैगा CH3COOH भी बोलते हैं आप इथैनिक एसिड को। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते जी, डेमोग्राफी अध्ययन है, जो डेमोग्राफी अध्ययन है ऑप्शन है जी मनुखी जनसंख्या का, पौद्या की जनसंख्या का, पशुआ की जनसंख्या का या इन्हों कोई नहीं। हाँ जी डेमोग्राफी की है जी, राइट आंसर है जी मनुखी जनसंख्या के अध्ययन जोड़ा आप डेमोग्राफी बोलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते जी, पीलिया फैलाने वाले विषाणु का नाम है, तुम्हें दसना कि पीलिया फैलाने वाले विषाणु का की नाम है? ऑप्शन देख लें जी, माइक्रोवायरस, पोलियो, हैपेटाइटस या HIV। हाँ जी दोस्तों, राइट आंसर है जी आप सबनों पता बिल्कुल सही जवाब है जी हैपेटाइटस। इन जॉन्डिस भी बोलते पीलिया, तो आप देख लें जिहड़े जॉन्डिस दीआं टाइप्स हुंदीआं नेआं किहड़ी किहड़े तरह का पीलिया हुंदा, A B C D E G 6 तरह का हुंदा है। तो तुसीं पिक्चर दे विच भी देख सकते हैं कि नॉर्मल जिहड़ा पीपल हुंदा आ ते जिहनूं जॉन्डिस हो जाता उहदा जिहड़ा कलर दे विच की फर्क पै जाता है कि उहदा रंग जिहड़ा पीला पै जाता आ। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, फेफड़े सब तो ज़्यादा किस गैस नाल प्रभावित हुंदे हन? जिहड़े मनुखी फेफड़े आ सब तो ज़्यादा जिहड़ी किहड़ी गैस आ जां कह सकदे किहड़ी जहरीली गैस आ जिस नाल प्रभावित हुंदे हन? तो ऑप्शन देख लें जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ जी इहदा राइट आंसर हैगा जी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 भी बोलते इहनूं। जिहड़े सल्फर डाइऑक्साइड आ ये जिहड़ी गैस फेफड़िआं दे लई बहुत ज़्यादा हानिकारक आ, जिहड़े फेफड़े सब तो ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड दे नाल प्रभावित हुंदे हन। ये जिहड़ी गैस आ गड्डियां दे विचों जिहड़ा धुआं निकलदा आ वाहनां दे विचों उहदे राहीं उहदे विचों निकलदी आ। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, माइनोवायरस कारण रोग हुंदा है, जिहड़ा माइनोवायरस आ उहदे नाल किहड़ा रोग हुंदा आ? ऑप्शन देख लैंदे जी, फ्लू, हैजा, प्लेग या पैचिस। हाँ जी दोस्तों, इहदा राइट आंसर हैगा जी फ्लू, माइनोवायरस के नाल जिहड़ा फ्लू हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते जी, साह क्रिया दौरान जिहड़े पदार्थों का ऑक्सीकरण हुंदा है उन्होंने की कहिंदे हन? ऑप्शनस देख लैंदे आ, साह क्रिया की है जिहड़ी आपां ऑक्सीजन गैस लैंदे आ कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी छड्दे आ उहनूं आपां साह लैण दी क्रिया नूं साह क्रिया कहिंदे आ। ते किहड़े पदार्थ दा ऑक्सीकरण हुंदा है जां आपां कह सकदे टुटदा आ? कार्बोहाइड्रेट, तेजाब, प्रोटीन या स्वासी पदार्थ। हाँ जी दोस्तों, इहदा राइट आंसर हैगा जी स्वासी पदार्थ।
ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਗਨੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਗਜ਼ਾਲੇਟ, ਫਰਕਟੋਸ ਜਾਂ ਐਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਐਗਜ਼ਾਲੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਐਗਜ਼ਾਲੇਟ ਆ ਇਹ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜੰਮੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਗ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਬੋਨਸ, ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ, ਸੈਰੀਬ੍ਰਮ ਜਾਂ ਥੈਲਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਪੈਪਟਾਈਟ, ਮੈਰਾਸਮਸ ਜਾਂ ਗਲਾਈਕੋਨ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਰਾਸਮਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਸਮਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ।